Hi everyone, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फुल फेस एच डी मेकअप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आईब्रो बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने बेनिफिट का काब्रोडेड आईब्रो पोमेड यूज किया है और इसमें मेरा नंबर है जैसे कि आपने देखा 4.5 और बहुत ही अच्छा आईब्रो पोमेड है ये आ, वाटर प्रूफ है स्वेट प्रूफ है बहुत ही अच्छा है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तो इसको मैं लगा रही हूँ और इस तरह से दोनों तरफ आईब्रो फिल कर लेंगे अब मैंने कंसीलर लिया है यहाँ पर और ये लोरियल का कंसीलर है और बहुत ही अच्छा कंसीलर है ये तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन आई बेस और क्योंकि ये फुल कवरेज है और साथ में इसका मैट फिनिश है तो इसलिए और भी अच्छा रहता है ये गर्मी के लिए स्पेशली तो इसको मैं लगा रही हूँ इस तरह से सबसे पहले आईब्रो के नीचे जिससे कि वाला पोर्शन हमारा एकदम नीट एंड क्लीन लगे और अब ये पूरी आईलेट पर लगा कर और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड कर दिया है ब्रश ये मैंने डो कलर का लिया है और हल्का सा पाउडर अब इसके ऊपर हम लगा देंगे जिससे कि सेट हो जाइए और ये शेड लिया है मैंने सबसे पहले और पैलेट है ये जैकलिन हिल का पैलेट मॉर्फी जेकलिन हिल पैलेट तो ये सबसे पहले मैं यहाँ क्रीज पर लगा रही हूँ और अच्छे से इस कलर को लगा कर हम ब्लेंड कर देंगे दूसरा शेड अब मैंने ये लिया है इसी पैलेट में से और ये थोड़ा सा बर्नट ऑरेंज टाइप का शेड है तो इसको यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्रश ये मैंने मोरफी का यूज़ किया है ब्लेंडिंग ब्रश है ये तो यहाँ पर इसको लगाकर थोड़ा थोड़ा लेके हर बार में इसको हमें बिल्ड करना है क्योंकि बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है और जो मेरे पास है ओरिजिनल है तो थोड़ा थोड़ा लेके ब्लेंड करते जाना है और अब ये शेड मैंने लिया है तो मैं इसको इनर थर्ड में लगा रही हूँ और ये छोटा फ्लैट ब्रश लिया है मैंने फ़्लैट आई ब्रश तो यहाँ पर लगा इसको मैं इस तरह से इतने एरिया में इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी और डार्क ग्रीन शेड है अब ये इसी पैलेट में से और इसको मैं आउटर थर्ड में लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने पेंसिल ब्रश लिया है इसकी हेल्प से मैं इसको लगा रही हूँ तो बिल्कुल ऊपर ऊपर क्रीज़ में लेकर नहीं जा रही मैं इसको सिर्फ मैं आईलेट तक ही रखूँगी और अब ये ग्रीन वाला शेड है तो यहाँ इसको मैंने लिया है और इन दोनों के बीच में यहाँ सेंटर में मैंने इसको लगाया है तो एक अच्छा लेयर इसकी हम यहाँ पर लगा देंगे ये शेड वाले की और अब यहाँ पे मैंने एक ग्लिटर लिया है ये मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लिटर है और साथ में मैंने इसको अच्छे से स्टिक हो जाए तो नेक्स्ट का मैंने ग्लिटर लेटर लगा लगाया है पहले और उसके ऊपर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ग्लिटर लगाया है तो इस तरह से इसको हम लगा देंगे और यहाँ पे दोबारा से मैंने ग्रीन शेड लिया है और उसको मैं फिर से लगा दूंगी और अब यहाँ पे लाइनर लगाया है मैंने और एक विंग्ड लाइनर मैं बनाऊंगी और ये लाइनर मैंने एसेंस का लिया है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा लाइनर है ये तो अफोर्डेबल लाइनर अगर आप देख रहे हो तो ये लाइनर आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर इस तरह से मैं ये विंग्ड लाइनर बना दूँगी और अब यहाँ पे मस्कारा लिया है मैंने और ये कीको का मस्कारा है तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पे लैशेस लगाए हैं मैंने और ये आई लेर की लैशेस हैं और अब ये पोर प्रोफेशनल प्राइमर लिया है मैंने बेनिफिट का और बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये तो इसको इस तरह से हम लगा देंगे और हमारे पोर्स इससे फिल हो जाएंगे और बेस बनने में अच्छा रहेगा और अब इसके बाद जो मैंने फाउंडेशन लिया है वो नेक्स का फाउंडेशन है और ये एच फाउंडेशन है और इसको मैं लगा रही हूँ तो एच मेकअप में ये नहीं है मतलब कि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इस क्रीम से या कोई सर्टन दूसरे फाउंडेशन से क्या मैं एच मेकअप कर सकती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये मेकअप करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एच वाले प्रोडक्ट्स हों क्योंकि ये बहुत ही फाइनली मिल्ड होते हैं और इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये लाइट को डिफ्यूज़ करें और इसीलिए फ़ोटोग्राफ्स वगैरह इसमें बहुत ही अच्छी आती है एच मेकअप के बाद में तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन भी इसी का ही लिया है और यहाँ मैं कंसीलर भी ये एच में लगा रही हूँ तो इसको करने के बाद में मैं आपको बाद में अपनी फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से फ्लैश वगैरह में भी फ़ोटो बहुत अच्छा आता है तो इसलिए ये जो मेकअप है ये एच वाला मेकअप ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास वही प्रोडक्ट्स हों नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं तो ये करने के बाद में फ़ाउंडेशन कंसीलर वग़ैरह के बाद में इसको सेट करने के लिए मैंने बनाना पाउडर लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का तो इसको मैं इस तरह से लगा दूंगी और जो ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है ये मेरा डैम्प है मतलब वेट है तो उसी से ही पाउडर लेके मैंने लगाया है अब यहाँ नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ मैं और इसके लिए मैंने ये शुगर की कॉन्टोर स्टिक ली है और काफ़ी अच्छी कॉन्टोर स्टिक है ये और छोटा एक ब्रश लिया है मैंने उससे मैं इसको इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी और पूरा फेस अब मैं सेट कर रही हूँ और इसके लिए मैंने शुगर का पाउडर लिया है तो ये कॉम्पैक्ट है मैंने पूरे फेस पर इसको अब मैं लगा रही हूं अब दोबारा से आई पे चलते हैं और ये ग्रीन शेड लिया है मैंने और इसी को मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और इसके हेल्प से मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी तो सिर्फ ये वाला शेड लिया है मैंने और इसको बस ब्लेंड कर देंगे इसके अलावा कोई भी और दूसरा शेड नहीं लिया और जो भी हल्का फुल्का फॉल आउट हुआ है उसको मैं इस तरह से ब्रश के हेल्प से हटा दूंगी और काजल लगा लेंगे यहाँ पर और अब मस्कारा लिया है मैंने लोअर लैशेस के लिए और ये मैंने वट एंड वाइल्ड का मस्कारा लिया है क्योंकि छोटे इसके जैसे ब्रिसल्स हैं ईज़िली इनसे लग जाता है नीचे लैशेस में और अब ये हाइलाइटर है और ये बेनिफिट का हाइलाइटर लिया है मैंने तो इसको मैं इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ दोनों तरफ इस तरह लगा देंगे और हल्का सा मैंने इसको आईब्रो के नीचे भी लगाया है तो आई लुक यहाँ पर कंप्लीट है आप देख सकते हैं और इसी को लेकर बेनिफिट का ही जो मैंने लिया था ये पैलेट इसमें से मैंने हुला ब्रॉन्जर लिया था और उसको मैं यहाँ पर लगा रही हूँ तो बहुत हल्का सा फोरहेड पे चीक्स पे मैंने इसको लगाया है और ब्लशर लिया है मैंने इसी में से अब तो इसको हम लगा देंगे यहाँ पे और इसी पैलेट में से बेनिफिट के ये मैंने हाईलाइटर जो पहले दिखाया था उसी को ही मैं यहाँ नोज़ पर लगा रही हूँ और इसको मैं लिप्स के ऊपर लगा रही हूँ तो देखेंगे आप कि जो मैं फ़ोटो मैंने दिया है उसमें कितनी अच्छी तरह से ये हाइलाइटर आपका अच्छे से दिख रहा है और ओवरऑल फ़ोटो बहुत अच्छा आता है तो हल्का सा इसको चिन पर चीक्स पर मैं लगा रही हूँ और एंड में अब ये मैंने फिनिशिंग पाउडर लिया है जो कि एच पाउडर है तो इसको मैंने लिया है एंड में इसको बहुत ही हल्का हल्का सा हमें लगाना है बहुत ही नाइस nice, अच्छी फ्लॉलेस फिनिश के लिए तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना नहीं तो ये बहुत बुरा भी लग सकता है बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हल्का सा लेकर ही इसको लगाना है तो इस तरह से मैंने ये लगा लिया है यहाँ पर और लिपस्टिक के लिए मैंने ये दो कॉम्बिनेशन लिए हैं एक तो ये निप निप्स निक्स की मैंने ये पाउडर पफ लिपस्टिक ली है और दूसरी मैंने मिलाने की ली है तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है एक प्रॉपर मैं पिंक नहीं चाहती थी थोड़ा उसमें न्यूड कलर इसलिए मैंने मिक्स किया है और बस यहाँ पे लुक फिनिश है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो और हेल्पफुल लगी हो तो मुझको आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉल